हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। गॉसिप टाउन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ कृतिका। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के चर्चे आजकल हर जगह हो रहे हैं। इन दोनों के डेटिंग की खबरें छाई हुई है। यहाँ तक की खबरें आ रही हैं कि ये कपल इसी महीने 13 मई को सगाई कर सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं, कहा यह जा रहा है कि ये कपल अक्टूबर के महीने में शादी रचाने वाला है। हालांकि अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अब जो मैं आपको बता रही हूं वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि इन दोनों को बीती शाम मोहाली स्टेडियम में IPL का मैच देखते देखा गया है। जी हाँ, परिणीति चोपड़ा राघव के साथ पहुंची थी IPL का मैच देखने के लिए, और स्टेडियम में जैसे ही परिणीति और राघव ने साथ में एंट्री मारी, हर कोई दोनों को ही देखता रह गया। और वहां पर मैच पर लोगों का फोकस कम और परिणीति और राघव की जोड़ी पर ज़्यादा देखने को मिल रहा था। इतना ही नहीं, वहां पर मौजूद लोग लगातार भाभी भाभी के नारे लगाए जा रहे थे, भाभी जिंदाबाद। जी हाँ, परिणीति को हर किसी ने बना लिया है भाभी, और अब राघव चड्ढा के साथ उनका नाम तेज़ी से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि लंबे वक्त से ये जोड़ी एक दूसरे को डेट कर रही है और अब शादी के अटूट बंधन में बंधने वाली है। हालांकि अभी तक राघव और परिणीति ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया है, लेकिन लगातार इन दोनों के डेट करने की खबरें तेज़ी से फैल रही है। बताया जा रहा है कि ये दोनों जो हैं, ये पहले UK में साथ में पढ़ाई कर चुके हैं और उसी दौरान दोनों के बीच गहरी दोस्ती हुई और फिर दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा, और अब आलम है कि ये दोनों शादी करना चाहते हैं। और बताया जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में इन दोनों की शादी होगी और इस शादी में प्रियंका चोपड़ा के भी शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। वही कहा जा रहा है कि 13 मई को, यानी कि अब से कुछ ही दिनों बाद, ये दोनों इंगेजमेंट कर सकते हैं। इन दोनों की इंगेजमेंट दिल्ली में होने की संभावना बताई जा रही है। बहरहाल गाइज, इसी बीच ये दोनों मैच देखने साथ पहुंचे और फैंस को मिल गया है इन दोनों की जोड़ी बनाने का एक और मौका। कैसा लगा वीडियो, जरूर बताइएगा कमेंट में। इस वीडियो में इतना ही।